गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। बट क्या सिर्फ इतना ही होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए, तो वही आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उनमें चार क्वालिटी होना चाहिए। अगर उन चारों में से कोई एक नहीं होगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो चार कौन सा पैरामीटर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कह लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए मैग्नीट्यूड। उसके बाद सेकेंड उसमें क्या होना चाहिए, यूनिट स्पेसिफाइड। थर्ड उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। और फोर्थ उसमें क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी को जो अलजेब्रा है वो जनरल मैथमेटिकल अलजेब्रा फॉलो नहीं करना होगा, उसको फॉलो करना होगा स्पेशल अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो यहां से हमको क्या मालूम चला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उनमें चार क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उनमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर उनमें यूनिट होना चाहिए, थर्ड उनमें डायरेक्शन होना चाहिए, और फोर्थ उनको वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है और वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग का है मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों, फर्स्ट हम लोग का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी संख्या जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, भौतिक राशि के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या परिमाण। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई व्हीकल है जिसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहां जो 25 हो गया वही हो गया मैग्नीट्यूड। कोई फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, तो यहां जो 5 हो गया वही उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया या परिमाण हो गया। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल डाटा किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएट रहता है, उसी न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट है यूनिट। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट अटैच होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और यह यूनिट कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए। जैसे हम लोग फिर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं त्वरण यानी कि एक्सीलेशन की, और हम लोग बोलते हैं कि इस कार का एक्सीलेशन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां पे जो 25 है वो हो गया मैग्नीट्यूड, और जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये हो गया उसका यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स है, फोर्स कितना है 25 न्यूटन, तो ये जो 25 है बच्चों ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद फोर्स। और ये जो न्यूटन हो गया यही इसका क्या हो गया, यूनिट। ठीक है, अब यही हम लोग देख लेंगे वेलोसिटी में क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 5 हो गया ना बच्चों यही हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और दूसरा मीटर पर सेकेंड है यही हो गया वेलोसिटी का क्या, यूनिट। तो यहां पे हम लोगों को एक बात जानना है कि जो ये यूनिट होगा वो हमेशा स्पेसिफिक यूनिट होगा। स्पेसिफिक यूनिट का मतलब क्या हुआ, विशिष्ट इकाई का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स का यूनिट होगा वो हमेशा फोर्स का ही होगा, उसको हम लोग प्रेशर का या एक्सीलेशन का या वेलोसिटी में यूज नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर, इट इज ऑलवेज सिग्निफाइड थ्रू इट्स स्पेसिफिक यूनिट। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि वेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह है डायरेक्शन। अब यहां आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ना तो उसमें डायरेक्शन होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स हम लोग बोल दिए 25 न्यूटन, तो किधर फोर्स किधर लग रहा है, ये जो बल लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं, तो किधर ना किधर तो लगेगा ना, या तो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा, या नॉर्थ की तरफ लगेगा या साउथ की तरफ लगेगा, या कोई एंगल बना के लगेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन। यानी कहीं भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा ना तो उसमें डायरेक्शन बच्चों एसोसिएट होगा ही होगा। आइए आइए फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। जैसे फोर्स का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और बोलते हैं फोर्स इज 25 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फोर्स का वैल्यू 25 है, मैग्नीट्यूड 25 है, जो कि किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये उसका डायरेक्शन बता दी। यही हम बोले अगर 25 न्यूटन अपवर्ड, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड।
यही हम बोले 25 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ जो फोर्स है वो किधर की ओर लग रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इसके ये है वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब आइए समझ लेते हैं कि ये क्या है। जो हम लोग जनरल अलजेब्रा अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बच्चों, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, LCM, HCF एंड सो ऑन। बट जब हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की ना बच्चों, तो वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ तीन ही पैरामीटर होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की बच्चों, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन, ठीक है बच्चों, और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो वेक्टर डिवीजन है वो अनडिफाइंड है, यानी वेक्टर में कोई डिवीजन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? अब आइए थोड़ा और हम बता देते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एडिशन का, तो अब देखिए, अगर हम लोग जनरल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जनरल अलजेब्रा, और इधर हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की, तो अगर हम लोग जनरल अलजेब्रा का बात करें तो जनरल अलजेब्रा में 2+3 कितना होता है बच्चों, 5। लेकिन यही वेक्टर, कोई वेक्टर है 2 और कोई वेक्टर है 3, तो यहाँ पे 2+3 कितना हो सकता है, आइदर 1 होगा या 5 होगा, या 1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। आया बात समझ? जो हम लोग बात बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वो एक तरह का वेक्टर अलजेब्रा ही है। ठीक है बच्चों? अब आइए, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी स्केलर के बारे में बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है -1, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्केलर है वो नंबर लाइन में किधर है, लेफ्ट की तरफ है। -1 मतलब क्या हुआ कि वो स्केलर नंबर लाइन में किधर है, यहां अगर हम 0 बोल दें तो नंबर लाइन में किधर है, लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड है, ये बता रहा है। ठीक है बच्चों? लेकिन यही वेक्टर कोई क्वांटिटी है और उसके आगे हम लोग लगा दे माइनस, तो ये क्या बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, माइनस साइन, माइनस साइन जस्ट माइनस साइन जस्ट बिफोर अ वेक्टर, व्हाट डिनोट्स, इट डिनोट्स ओनली डायरेक्शन। मेरा ये कहना है बच्चों कि अगर कहीं भी माइनस साइन वेक्टर के आगे लगा हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। और कैसा डायरेक्शन, जो वेक्टर का ओरिजिनल डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही वेक्टर के आगे हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूं कि आपको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इतना तो अब क्लियर हो गया कि कहीं भी वेक्टर हो तो उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब आइए एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यूनिट है, ठीक है, डायरेक्शन है, ये भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। अगर किसी करंट, किसी वायर में करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, फिर उसी वायर में किसी दूसरे वायर को जोड़ दिया गया और 3 एम्पियर का करंट डाल दिया गया, तो टोटल 2+3 उस वायर में अब कितना करंट फॉलो हो रहा है, 5 एम्पियर। तो यहाँ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं ना हुआ, यहाँ तो जनरल अलजेब्रा फॉलो हुआ, इसलिए जो करंट है वो कैसा क्वांटिटी